नमस्कार, मैं कौशिन वारसी और आप देख रहे हैं आंखों देखी न्यूज चैनल ग्यासे। बोध गया नगर पंचायत के दैनिक मजदूरों ने गुरुवार को नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा के पुतला दहन किया। पुतला दहन के पहले नगर पंचायत के सफाई कर्मियों ने बोध गया के कालचक्र मैदान क्षेत्र से होते हुए माया सरोवर तक विरोध प्रदर्शन करते हुए पहुंचे, साथ ही तानाशाही बंद करो का नारा लगाया। इसके बाद गांधी चौक के पास पुतला दहन किया गया। इस संबंध में अध्यक्ष गुलाब चंद्र प्रसाद ने बताया कि नगर विकास मंत्री के द्वारा घोषणा जारी कर दैनिक मजदूरों को हटा देने की बात कही गई है, नगर आवास जिसे लेकर आज हम लोग नगर विकास आवास मंत्री ने एक घोषणा जारी किया कि तमाम दैनिक मजदूर को हटा दिया गया है और आउटसोर्सिंग से काम लिया जाएगा और उसके बाद जो है फिर चिट्ठी निकाली जाती है कि आप लोगों को 31 तारीख तक जो है से यह स्थगित किया जाता है। तो ये सरकार का जो रवैया है दैनिक मजदूरों के प्रति, यह गलत रवैया है और उन्होंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करवाना चाहता है, जिसके विरोध में हम लोग 1 फरवरी से हम लोग अनिश्चितकालीन पर पूरे बिहार के फेडरेशन के आह्वान पर यहाँ के भी बोध गया नगर पंचायत के सफाई कर्मी ने हड़ताल पर बैठा हुआ है। कब तक ये चलेगा हड़ताल? ये अनिश्चितकालीन है, ये हड़ताल है। क्या बातें हो रही है अधिकारियों से? अधिकारियों से बातचीत जो हो रही है केवल वह चिट्ठी निर्गत कर रहे हैं, लेकिन हमारे फेडरेशन के लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं। क्या कदम होगा इसके बाद? इसके बाद हम लोग अभी अनिश्चितकालीन हड़ताल है और उसी दरमियान जो है से हम लोग आंदोलन आज कर रहे हैं कि उनका जो है से पुतला दहन कर रहे हैं और यहाँ जो है से बोधगया नगर पंचायत के सफाई कर्मियों को 2 महीने का वेतन भी बकाया है। वो वर्दी कहा गया था वो भी वर्दी नहीं मिल रहा है, EPF था वो भी लागू नहीं किया गया है, तो उसके मांगों के भी समर्थन में हम लोग हड़ताल में हैं। गुलाबचंद प्रसाद, महामंत्री, लोकल बॉडीज फेडरेशन, शाखा नगर।